नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में राजपूत रॉयल संगठन ने मनाया अपना स्थापना दिवस। खबर रीवा जिले से है, जहां राजपूत रॉयल संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा और कार्यक्रम के संबंध में पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे ब्लॉक से लोग रीवा पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, कटनी मेहर जबलपुर से भी लोग शामिल होने रीवा पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं संगठन के पदाधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहा है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आज रॉयल राजपूत संगठन, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 2016 में हुई थी, जिसके उपरांत कोविड काल को छोड़ के रॉयल राजपूत संगठन समस्त इकाई आज के दिन अपना स्थापना दिवस श्री रामचंद्र राजा सरकार की शोभा यात्रा के रूप में मनाता है, जिसमें हम सभी क्षत्रियों का और सामाजिक बंधुओं का आह्वान करते हैं रामचंद्र जी की शोभा यात्रा के लिए। कहाँ से लोग आए हुए यहाँ पे? आपके रीवा के अलावा हमारे सिरमौर से आए हैं, गंगेव से आए हैं, सिलपरा से आए हैं, सतना से आए हैं, मैहर से आए हैं, कटनी से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, सीधी से आए हैं, शहडोल से आए हैं और हमारी उमरिया इकाई से लोग आए हुए हैं। पूरे रीवा संभाग और शहडोल संभाग। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह कचनार है, रॉयल राजपूत संगठन। क्या